दो फंदे का और दो लाइन का ये खूबसूरत डिज़ाइन है। इन्हीं दो फंदों को पूरे लाइन में और इन्हीं दो लाइन को पूरे स्वेटर में हमें दोहराना है और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो लाइन का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। यदि आप बिगनर्स हैं और नया डिज़ाइन की तलाश में हैं तो फिर ये डिज़ाइन आपके लिए ही है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता है तो भी आप इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप एज ए बॉर्डर बना सकते हैं या फिर स्वेटर में आप इसे डिज़ाइन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें दो के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो दो के मल्टीपल में आप कितने भी फंदे ले सकते हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए हमें एच के लिए। दो के मल्टीपल फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। और दो लाइन का ये डिज़ाइन है, दो लाइन को ही हमें ऊपर ऊपर दोहराना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। ऊन को दो उंगलियों में पकड़ेंगे, अंगूठे को इसके नीचे ले जाएंगे और एक लूप बनाएंगे। अब देखिए, ये दोनों सिरे हमारे इस सिलाई के नीचे आना चाहिए। देखिए, दोनों सिरे हमारे इस सिलाई के नीचे हैं। अब हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे। अब लेकिन ये दो सिरे हैं तो ऐसे हम खींच के देखेंगे, जो खींचने पे ना खींचता हो उस तरफ से हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे। एक, दो। और देखिए, जो इस तरफ हमने धागा छोड़ा है उसको हम ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब फिर हम लूप लेंगे, दोनों सिरों को सिलाई के नीचे ले जाएंगे और अगले दो फंदे हम उल्टा बनेंगे, लेकिन ऐसे खींच के देखेंगे, जो सिरा खींचने पे ना खींचता हो उस तरफ से हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इसको हम ऐसे खींच लेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उनको दोनों सिलाई के, देखिए, सिलाई के नीचे एक लूप लेना है, सिलाई के नीचे दोनों सिरे को ले लेना है और फिर ऐसे खींच के देखेंगे। देखिए, ये सिरा खींचने में खींच रहा है, यानी इधर से हमें नहीं बुनना है, बल्कि इस धागे, देखिए, ये धागा खींचने पे नहीं खींच रहा है, यानी इधर से ही हमें बुनाई करना है। तो दो फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुना, अब इसे ऐसे खींच लेंगे। खींचने पे देखिए, ये ऐसे एक डिज़ाइन सुंदर सा बन रहा है। अब फिर हम एक लूप लेंगे, दोनों सिरे को सिलाई के नीचे ले लेंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे। खींचेंगे, लूप लेंगे, देखिए, दोनों सिरे हमारे सिलाई के नीचे आने चाहिए, दोनों सिरे ऐसे ऐसे नीचे ही आना चाहिए। फिर दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागे को ऐसे खींच लेंगे। या फिर उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, इन दोनों फंदों को हम बाईं सिलाई में लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, फिर दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई में लेंगे और फिर उनको आगे, यानी ये जो हमारा थ्रेड है इन दोनों फंदों के चारों तरफ ऐसे लिपट जाएगा। अब फिर से दो फंदा उल्टा बुनेंगे, दोनों फंदों को बाईं सिलाई पर लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, फिर दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई पे और उनको अपनी तरफ। देखिए, ये हमारा धागा पीछे की तरफ ऐसे लिपट गया है, दो फंदों के चारों तरफ ये धागा घूम गया है। तो इन दो विधियां हैं, दोनों विधि में से आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। हमको दो फंदा उल्टा बुनना है, फिर दोनों फंदों को बाईं सिलाई में लेना है, उनको पीछे ले जाना है, दोनों फंदे को दाहिनी सिलाई में, उनको अपनी तरफ, फिर दो फंदा उल्टा। दो दो फंदों को हमें बुनना है, दो दो फंदों को हमें बुनना है और इस थ्रेड को, धागे को हमें इन दोनों फंदों के चारों तरफ घुमा लेना है। दो फंदों को उल्टा बुना और इन दोनों फंदों के चारों तरफ हमें धागे को घुमा लेना है। या फिर
लूप लेंगे, दोनों सिरे सिलाई के नीचे आ जाएंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे और थ्रेड को खींचेंगे। तो इस तरह भी देखिए हमारा थ्रेड इन दोनों फंदों के चारों तरफ घूम जा रहा है। फिर ऐसे लूप लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे और ऐसे थ्रेड को खींच लेंगे। तो इन दो विधियों में से आपको जो भी विधि आसान लगे आप उससे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। दोनों विधियां ही आसान हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सभी फंदे बुन लिए, मैंने लाइन कंप्लीट कर ली। तो ये इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और रॉन्ग साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो दो ही लाइन का ये डिज़ाइन है, मेनली कहे तो एक ही लाइन का ये डिज़ाइन है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। आप इसे एज अ बॉर्डर बना सकते हैं या फिर इसे स्वेटर में आप इसे डिज़ाइन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे आप जेंट्स स्वेटर बनाइए, लेडीज़ कार्डिगन बनाइए, जैकेट बनाइए, कोटी में डालिए। आप इस डिज़ाइन से आप बच्चों का स्वेटर बनाइए, ये सब में बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप कैप में, हैट में, सॉक्स में, शूज में, किसी भी में आप इस डिज़ाइन का प्रयोग कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो फंदे का और दो लाइन का ये खूबसूरत डिज़ाइन है। इन्हीं दो फंदों को पूरे लाइन में और इन्हीं दो लाइन को पूरे स्वेटर में हमें दोहराना है और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।